तुम्हें मेरे सर पे वार करना चाहिए था। तो दोस्तों, जो एलियन यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन खत्म कर सकता है उसे हराना इतना आसान काम नहीं है। इन्फिनिटी वॉर की एंडिंग देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि एवेंजर्स 4 में क्या होने वाला है और हमारे हीरोज क्या करने वाले हैं। लेकिन हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि थैनोस अभी भी जिंदा है और वो अपना बना बनाया हुआ खेल इतनी आसानी से बिगड़ने नहीं देगा। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि एवेंजर्स 4 में थैनोस क्या करने वाला है या क्या कर सकता है। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। एवेंजर्स 4 में थैनोस क्या करने वाला है ये जानने के लिए पहले हमें मूवी की स्टोरी को समझना पड़ेगा। और मूवी की स्टोरी के बारे में फिलहाल हमें सिर्फ एक ही बात पता है कि मूवी में किसी तरह का टाइम ट्रेवल होने वाला है। और टाइम ट्रेवल कैसे हो सकता है इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो जरूर देखिए। मूवी में टाइम ट्रेवल यूज करने का रीजन ये हो सकता है कि सभी हीरोज टाइम में पीछे जाकर इन्फिनिटी स्टोन्स जमा करेंगे ताकि वो थैनोस के स्नैप को रिवर्स कर सके, या फिर वो हिस्ट्री में कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे जिससे कि थैनोस कभी जीत ही ना पाए। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इस टाइम ट्रेवल वाली स्टोरी में थैनोस का क्या रोल है। इन्फिनिटी वॉर के एंड में हमने देखा था कि अपने मिशन को पूरा करने के बाद थैनोस बिल्कुल बेफिक्र हो गया था। एवेंजर्स 4 की स्टार्टिंग में भी थैनोस कुछ टाइम तक ऐसे ही बेफिक्र रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे हीरोज बिल्कुल शांत नहीं रहेंगे। अगर लीक्स और र्यूमर्स की माने तो हमारे हीरोज क्वांटम रियल्म का यूज करके टाइम ट्रेवल करेंगे। वो टाइम में पीछे जाकर पास को बदलने की कोशिश करेंगे और तब थैनोस एक्टिवेट हो जाएगा। कॉमिक्स में जिसके पास भी सारे इन्फिनिटी स्टोन्स होते थे उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस नाम की एक पावर आ जाती थी। इस पावर की मदद से अपने आसपास के बदलाव और किसी भी खतरे का पता लगाया जा सकता है। जब हमारे हीरोज पास्ट में कुछ भी बदलेंगे तो उसका असर फ्यूचर पे पड़ेगा, और रियलिटी में थोड़ा सा भी बदलाव देखकर थैनोस तुरंत ही ये समझ जाएगा कि किसी ने टाइम के साथ छेड़छाड़ की है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि थैनोस के गाउंटलेट से कोई इन्फिनिटी स्टोन गायब हो जाए और तब वो एक्टिवेट हो। थैनोस ने अपने मिशन को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, इसीलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि कोई भी रियलिटी को बदल ना पाए। थैनोस के पास अभी भी टाइम स्टोन है, इसीलिए वो बिना क्वांटम रियल्म के भी टाइम ट्रेवल कर सकता है। अगर सभी हीरोज इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल करने के लिए टाइम में पीछे गए होंगे तो उन्हें अलग अलग ग्रुप में टाइम ट्रेवल करना होगा, क्योंकि सभी इन्फिनिटी स्टोन्स यूनिवर्स की अलग अलग जगह पर थे। शायद इसीलिए हमें एवेंजर्स 4 की सेट इमेजेस में आयरन मैन, एंट मैन और कैप्टन अमेरिका का एक ग्रुप दिखा। यहाँ कैप्टन का पुराना गेटअप देखकर ये लगता है कि वो पास्ट वाले कैप्टन है, मतलब ये ग्रुप सिर्फ आयरन मैन और एंट मैन का है। ऐसे और भी ग्रुप होंगे। थैनोस इन सभी का पीछे करते हुए खुद भी अलग अलग टाइम में जा सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से थैनोस पास्ट में जाकर सबसे लड़ाई करेगा, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे हीरोज सारे इन्फिनिटी स्टोन्स हासिल कर लेंगे। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी की। ये एक कंबाइंड थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से हमारे हीरोज थैनोस को हराने की सभी कोशिश करेंगे, चाहे वो इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करना हो या पास्ट को बदलना या फिर टाइम में पीछे जाकर पास्ट वाले थैनोस को मारना। लेकिन हर बार एंड में थैनोस ही जीतेगा, और तब सबको ये समझ में आएगा कि थैनोस को हराना बहुत मुश्किल है। इस थ्योरी से हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की बात समझ में आती है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब टाइम स्टोन का यूज करके फ्यूचर देखा था तब उन्होंने बताया था कि 1,40,605 पॉसिबिलिटीज में से सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसमें थैनोस हार सकता है। अगर हम इस बात पर थोड़ा ध्यान दें तो हमें समझ में आएगा कि थैनोस ने बहुत पहले ही अपना फ्यूचर देख लिया था। ये उसने कैसे किया ये तो पता नहीं, लेकिन थैनोस ने फ्यूचर की वो सारी पॉसिबिलिटीज जान ली थी जिसमें वो हार सकता था, और इन पॉसिबिलिटीज को देखने के बाद उसने ऐसा प्लान बनाया कि कोई भी उसे हरा ना पाए। थैनोस ने ना सिर्फ अपना फ्यूचर बल्कि अपना पास्ट भी अच्छी तरह से प्लान किया है, मतलब अगर कोई पास्ट में जाकर कुछ चेंज भी करता है तो भी थैनोस ही जीतेगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें थैनोस जीत नहीं सकता। थैनोस को कैसे हराया जा सकता है ये बात सिर्फ दो ही लोग जानते हैं, और वो है डॉक्टर स्ट्रेंज और खुद थैनोस। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज ने मरने से पहले ये बात आयरन मैन को बताई होगी तो थैनोस को आसानी से हराया जा सकता है, नहीं तो उसे हराने में बहुत मुश्किल होगी। डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को हराने का जो प्लान बनाया है उसके बारे में हमें अभी सिर्फ कुछ ही बातें पता है। सबसे पहली बात ये कि थैनोस को हराने के लिए पहले उसे जीतने देना ज़रूरी है, और दूसरी बात ये कि आयरन मैन, एंट मैन और कुछ हीरोज का जिंदा रहना ज़रूरी है।
तो दोस्तों ये थी थैनोस और एवेंजर्स 4 के बारे में एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Stronger, step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.